नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मोमोज। हम और आप मिलकर बनाएंगे पनीर मोमोज। चलिए बनाते हैं। कुक विद बीना में आप सभी का स्वागत है। तो पनीर मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। 1.5 कप मैदा ले लिया है, चुटकी भर नमक और 1 चम्मच तेल। सभी चीज़ को मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंथ लेंगे। पनीर मोमोज बनाना बहुत आसान है, आप घर में बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं बच्चों को। ये सभी को पसंद है। मार्केट में दुकान लगा रहता है, वहां पर लाइन लंबी लंबी लगी रहती है, बच्चे बड़े सभी के पसंद है। चलिए हम आप बनाते हैं। आटा गूंथ लिया और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तब तक हम पनीर के ग्रेट कर लेते हैं। अब प्याज को एक हम चॉपर में चॉप कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक काट सकते हैं चाकू से, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए इस तरह से हम चॉप कर लिए। अब एक छोटा सा ट्रे में हम निकाल लेंगे इसको, प्याज को। ये है प्याज और ये है पनीर। अब एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, चुटकी भर जीरा डालेंगे और इसी में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा कलर बदलने देंगे, यानी सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा भूनेंगे नहीं प्याज को, थोड़ा ढक्कन लगा दिया, सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। और इसी में हम पनीर डाल देंगे और अच्छी तरह से नीचे ऊपर करके हम पनीर प्याज को मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, बस चुटकी भर डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इस पर हम एक बड़ा सा रोटी बेलेंगे। सूखा मैदा लगा के हम बड़ा सा रोटी बना लेंगे। मैदा के रोटी बेलिए तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो आराम आराम से हम बड़ा सा रोटी बना लेंगे। एक गिलास ले लेंगे और इस तरह से हम काट कर पूरी निकाल लेंगे। 4 तो निकल ही जाएगा इसमें। इस तरह से साइड से हम निकाल निकाल के पूरी रख लेंगे। यहां भी 2 निकाल लिए। इसमें जल्दी बन जाता है पूरी। ये लग रहा है थोड़ा पूरी मोटा है साइड से, तो हम फिर 1-2 बार बेल लेंगे बेलन से। और 1 चम्मच पनीर लेकर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे किस तरह फोल्ड कर रहे हैं, क्या बहुत आसान है फोल्ड करना। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, हो गया ना। देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा मोमोज।
डिजाइन भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरा बना के दिखा रही हूँ। हल्के हाथों से इसको हम फोल्ड करके इस तरह से हम बीच में पैक कर देंगे, दबा देंगे बीच से। एक एक करके सारे मोमोज बना लिया। ये पानी गर्म होने के लिए दे दिया था, एक छलनी रख लेंगे उस पर और तेल लगाकर उस पर एक एक मोमोज रख देंगे और फिर ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट के बाद हम फिर देखेंगे मोमोज इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे और चटनी के साथ सर्व करेंगे। लग रहा है ना मार्केट की है, घर के बना हुआ नहीं। आप खा कर जरूर देखिए और बना के भी देखिए। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।